हाय फ्रेंड्स शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए एस आई फार्मासिस्ट सी आर पी एफ़ मॉडल पेपर थ्री पार्ट वन दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट वन एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द ड्रग इज ए कॉक्स थ्री इनिवेटर ऑप्शन ए डाइक्लोफेनक ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन ऑप्शन सी आई बी प्रोफेन एंड ऑप्शन डी इंडोमिथासन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी एसिटामिनोफेन दोस्तों एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल का केमिकल नेम है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिया ऑप्शन ए डाईथाइल कार्बामाजीन ऑप्शन बी मैथीमाजॉल ऑप्शन सी कार्बीमाजॉल एंड ऑप्शन डी साइप्रोहैप्टाडीन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी डाई इथाइल कार्बामाजीन डाई इथाइल कार्बामाजीन को सॉल्ट में डी भी कहते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑप्शन ए रेनालकोलिक ऑप्शन बी एबडोमेन पेन ऑप्शन सी हेड इंजरी एंड ऑप्शन डी वंस The right answer is option C any head injury. The next question is Which anti-tuber drug should be avoided during pregnancy? Option A, Isoniazid Option B, Pyrazinamide Option C, Steptomycin and Option D फॉम्पीसिन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी स्टेप्टोमाइसिन दोस्तों तो स्टेप्टोमाइसिन अमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग्स है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया ऑप्शन बी सेप्टीसीमिया ऑप्शन सी हाइपोबॉलीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरबोलीमिया द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी हाइपोबॉलीमिया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए वाट द बॉडी डस टू द ड्रग ऑप्शन बी सेलेक्शन ऑफ ड्रग ऑप्शन सी मेथड ऑफ ड्रग टू बॉडी एंड ऑप्शन डी व्हाट द ड्रग डस टू द बॉडी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी व्हाट द ड्रग डस्ट टू द बॉडी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपाइन इज ऑप्शन ए एन एसिटाइलसिस्टीन सिस्टीन ऑप्शन बी फ्लुमाजेनिल, ऑप्शन सी बार्बिचुरेट्स एंड ऑप्शन डी नेलेक्सोन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी फ्लुमाजेनिल। दोस्तों एन एसिटाइल सिस्टीन एंटीडोट है पैरासीटामोल का द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलप्रोइक एसिड इज ए option a anti-emetic drug option b analgesic option c anti-epileptic drug and option d antacid the right answer is option c any yani anti-epileptic drug the next question is a drug that decreases the activity of another drug is called ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट ऑप्शन बी एगोनिस्ट एंड ऑप्शन सी एडवर्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी सिनर्जिक द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट दोस्तों एंटागोनिस्ट जो होता है वो ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है जबकि एगोनिस्ट ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The usual dose of rifampicin to be administered to an adult is option A 600 to 700 mg per day, and option D 450 to 600 mg per day, and option D 1000 to 2000 mg per day, and option D 100 to 200 mg per day. The right answer is option B yani 450 to 600 mg per day the next question is which of the following drug is not used for the treatment of acute migraine attack option a propranolol option b sumatriptan and option c caffeine and option d ergotamine the right answer is option ए यानी प्रोप्रानोलॉल तो दोस्तों सोमाट्रिप्टैन कैफीन एंड एरगोटामाइन ये तीनों ही ड्रग्स एक्यूट माइग्रेन अटैक के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन ए लिविंग बॉडी आर रिफर्ड टू एज ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी रेडिएशन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैफ्रिस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू द जेस्टेशन एज ऑफ ऑप्शन ए सेवन वीक्स ऑप्शन बी fifteen beaks, option C, thirteen beaks and option D eleven beaks. The right answer is option A. Yani 7 weeks. The next question is phenytoin is used in the management of option A diarrhea, option B convulsions and option C asthma and option D acidity. The right answer is option B, any yani convulsions. The next question is: Phenobarbital is option A intermediate acting, option B ultra short acting, option C long acting, and option D short acting. The right answer is option C. Any yani long acting. The next question is Which of the following is the side effect of methyl dopa? Option A, sedation and lethargy. Option B, diuresis. Option C, weight loss. And option D, hair loss. The right answer is Option A, any yani sedation and lethargy. The next question is Which of the following is the ideal daily dose of palm in an adult Option A 15 to 60 mg Option B 90 to 100 mg and option C 70 to 80 mg and option D 5 to 30 mg The right answer is option D यानी फाइव टू थर्टी मिलीग्राम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग इज़ एब्सॉर्व फ्रॉम द स्टोमक ऑप्शन ए मीटोप्रोलॉल ऑप्शन बी क्यूनिन ऑप्शन सी एस्प्रिन एंड ऑप्शन डी अमिनोपाइरिन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी एस्प्रिन The next question is Which of the following is an anti antitussive drugs Option A cordine, Option B ambroxol Option C bromhexine and option D salbutamol The right answer is option A yani cordine. The next question is बेरीसेला वैक्सीन इज गिविन फॉर द प्रिवेंसन ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसीजेज ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन सी चिकन पॉक्स एंड ऑप्शन डी ट्यूबर क्लोसिस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चिकन पॉक्स दोस्तों अगर चिकन पॉक्स के काउजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बेलिसोल बैरीसेला, चोस्टर और ट्यूबरक्लोसिस का कॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन यूज़ की जाती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स ऑप्शन ए न्यूक्लियस ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म ऑप्शन सी सेल मेंब्रेन एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी सेल मेंब्रेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द फैटल डोज ऑफ पर ऑप्शन ए फिफ्टीन एम एल टू ट्वेंटी एम एल ऑप्शन बी फाइव एम एल टू टेन एम एल एंड ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव एम एल टू फिफ्टी एम एल एंड ऑप्शन डी टेन एम एल टू फिफ्टीन एम एल द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव एम एल टू फिफ्टी एम एल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन ऑप्शन ए फिजोस्टिजमीन ऑप्शन बी ऑक्सीफिनोनियम ऑप्शन सी प्रोटामाइन सल्फेड एंड ऑप्शन डी प्रोपैथलीन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फीजोस्टि फीजोइीजमीन और दोस्तों प्रोटामाइन सल्फेट एंटीडोट हैपारिन का द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following cytotoxic drug used in chemotherapy is an anti-metabolite? Option A. Ifosfamide. Option B. mechlorethamine. Option C. Cyclophosphamide. And option D. Methotrexate. The right answer is option D. Any yani Methotrexate. The next question is. द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बी सी जी इज ऑप्शन ए इंटरडर्मल ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन सी ओरल एंड ऑप्शन डी इंट्रावैनस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरडर्मल तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग